Hi. Hello. It's me, Aditi. Yes, Aditi. It's pleasure meeting you after ages. Yes. Have we met before? नहीं. अच्छा. हम वर्चुअली मिले हैं. जी. वैसे कहा जाता है हर दर्द की दवा नहीं होती है. तो मैं बोलती हूँ हर दर्द शायद दवा बन सकती है अगर वो मिथुन के पास जाए, क्योंकि वो दर्द को गाने में ऐसे बदल देते हैं कि कई बार जब तुम दर्द में होते हो तो तुम्हें लगता है ये दवा का काम कर रहा है, जैसे कि बीते लम्हे. पर क्योंकि मैं यहाँ पे वायरल ओरिजिनल के लिए आई हूँ, मैं किसी और गाने की नहीं बात करूंगी. बट आई रियली वुड लाइक टू से दैट वो जो होते हैं ना टॉप थ्री या टॉप फाइव अपने फेवरेट म्यूजिशियंस, यू आर वन ऑफ देम. थैंक यू. एंड मैं तब से आपकी फैन हूँ. फैन इज अ वर्ड जो मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, पर मैं तब से आपकी फैन हूँ. जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तब मुझे नहीं पता चलता था कि जब तुम्हें गाना पसंद आए तो तुम ये भी देखो कि ये किसने गाया है, किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है. तब मुझे वो गाने अच्छे लगते हैं, और जब रेडियो के बीच में पहुंची मुझे लगा ये कितना अच्छा गाना है, किसने लिखा है. तो 70-80% ऐसा होता था वो आप ही के गाने निकले थे. फिर मैंने अपने पास में जाके चेक किया, वो जो दर्द भरे गाने मैं सुनती थी वो भी आप ही के थे. तो मेरी मुलाकात हो चुकी है. हाँ, तो यही मेरी मुलाकात हो चुकी है. इमोशनली आई एम वेरी कनेक्टेड टू हिज म्यूजिक एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू टुडे एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर मी. नो नो नॉट एट ऑल, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. अब गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं जी, और गाते भी हैं जी. आपका गाना जो इतना सुपरहिट होने वाला है, मैं इसलिए बोल रही हूँ सुपरहिट होने वाला है क्योंकि एक्सक्लूसिवली आज प्रीमियर में मैं देख चुकी हूँ इंतजार. कैसा लगा आपको? मुझे काफी अच्छा लगा. और बहुत कम बार ऐसा होता है जब गाने यू नो सुनने में अच्छे लगते हैं तो विजुअली अच्छे नहीं होते, विजुअली अच्छे होते तो सुनने में अच्छे नहीं लगते. बट द वे यू प्ले द पियानो, राइट, वो ऐसे दिल के स्ट्रिंग को छू लेते. क्या ऐसा है आपके साथ कि आप बोलते कम हो, आपका म्यूजिक ज्यादा बोलता है? आर यू अ शाय पर्सन? आई डोंट नो इफ शाय नो, लेकिन काफी टाइम से मैंने लफ्जों का सहारा नहीं लिया है इतना. अच्छा. आई थिंक वही म्यूजिक के द्वारा इतनी बात हो जाती है तो फिर बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं. आई हैव अ लॉट टू से. आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड पर्सन. सो अब ये जो गाना आया है जी, विच इज अ नॉन फिल्मी सॉन्ग जी, इससे पहले भी आपने कोई गाना कंपोज किया है विच इज नॉट आई मीन अ नॉन फिल्मी सॉन्ग, तो वो आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक पहले कब किया था, उसके बाद आप फिल्मों में ही गाने दे रहे हो और उसके बाद? दैट वाज वेरी अर्ली इन माय करियर. मैं सिर्फ 22 साल का था जब उस वक्त टी सीरीज हैड साइंड मी फॉर अ नॉन फिल्म एल्बम. उस वक्त सिंगल्स का दौर नहीं था. वी यूज्ड टू डू एन एंटायर एल्बम 7-8 सॉन्ग्स. हां, और मैंने लगभग 1.5 साल फिल्म म्यूजिक से ब्रेक लेकर उसके गाने लिखे थे उस वक्त. वो व्हिच वाज वेरी वेरी पर्सनल इन नेचर. बट फैक्ट तो ये है कि कमर्शियली इट डिडंट डू वेल. अच्छा. इट डिडंट डू वेल कमर्शियली, बट इट वाज अ वेरी गुड. बहुत मेरे को बहुत सीखने को मिला उस एल्बम से. एंड एल्बम हैड अ सेपरेट फैन बेस. आज तक लोग मुझे उन गानों के बारे में लिखते हैं. वाओ. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. यहाँ पर आई थिंक यू नो मोहित सूरी इज रिस्पॉन्सिबल. मैंने अपने लाइव में भी बताया, मैंने बोला मोहित सूरी है, अरिजीत सिंह है, एंड देन मिथुन है, तो मतलब ये तो सुपर हिट ही होने वाला है. Is there any connection between you guys? कि नहीं, आप लोग ऐसे मिलते हो और ऐसा हो जाता है? नहीं कि या ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि मोहित का कुछ भी क्रिएशन होगा ना मेरे गाने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छे होने वाले? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक कनेक्ट है मुझे लगता है जो होना बहुत जरूरी होता है. और वो कनेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं इंटेंशन का है. क्योंकि अदिति क्या होता है, अगर अगर इंटेंशन ही अगर सुर में ना हो फिर गाना कैसे सुर में बनेगा? तो वो मोहित कभी नहीं, he never comes to me for a hit tune. You know, Arijit will never ask me ki is it a hit song, how is the hook. वो नहीं है. We all come there because we love music. Right. और हम एक अच्छे emotion को बयां करना चाहते हैं. So I think that is the reason कि जब भी मिथुन के गाने आते हैं ना तो आप पूरा गाना याद रखते हो. ऐसे हुक लाइन नहीं उसका फेमस होता है, पूरा गाना फेमस होता है. यहाँ तक कि उसकी ट्यून फेमस होती है, यहाँ तक कि तुम उस दर्द में कहीं अपना दर्द ढूंढते हो या फिर अपनी दवा ढूंढते हो. इज देयर एनी दर्द कनेक्टेड टू यू? इंतजार में भी आपको किसी का इंतजार है? अदिति, दर्द कनेक्टेड कौन सा ऐसा इंसान है जो दर्द से वंचित है? मतलब शो मी वन मैन. मुझे मेरा गाना है खुदा मर्डर 2 में जो मैंने लिखा, उसमें लाइन है कि खुदा इंसान से कहता है कि ऐसा कोई मंजर तू दिखला दे, ऐसे किसी दिल से तू मिलवा दे, ऐसे कोई शख्स से मिलवा दे के जख्म उसे कोई ना मिला. This is going to be very personal. आपको ऐसा शख्स मिला?
हर कोई जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर यू बीन थ्रू योर शेयर ऑफ पेन. जो यहाँ पे कैमरा होल्ड कर रहा है, he's been through his share of pain. कौन है? I mean, pain is, it's an integral part of life. Without pain, तो हम आ भी नहीं सकते इस दुनिया में. Exactly. देखिए. Yeah. So now you are in sync with my thoughts. I'm already in sync with already your thoughts. Sync. Yeah, I'm already. तो आपको बस मैं आज मिल पाई हूँ. तो और शायद इसलिए मेरे पास ज़्यादा questions भी नहीं है. मैं ऐसा confused हूँ कि मैं क्या पूछूँ इनको. मतलब इतना सुना है ना कि मैं ज्यादा बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि क्या है ये, हर लोग ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बहुत ब्रूटल ऑनेस्ट हूं. पीपल हु फॉलोस मी दे नो मी. नहीं, वो आपसे मुलाकात के पहले 20 सेकंड में समझ गया मैं. कैसे? आई डोंट नो, इट जस्ट रीच्ड मी. इंतजार गाना काफी ब्यूटीफुल है, बट व्हिच इज योर फेवरेट लाइन ऑफ द सॉन्ग? माय फेवरेट लाइन इज, किसी कहानी में तू होगा मेरा, हां उस कहानी में मिलना मुझे फिर कहीं. सीरियसली? यस. आप मेरा इंस्टा लाइव तो नहीं देख रहे थे ना? नहीं. ये जो मैं आखी जे तूने तारी बात तो नहीं बात करी ना इंस्टा लाइव में, अर्धीज लाइन आपी ने. सो आई जस्ट शेयर दैट व्हिच लाइन आई लव द मोस्ट. एंड इट्स द सेम लाइन. रियली? इट्स द सेम लाइन. वाओ. अच्छा, अगला कौन सा गाना आने वाला है जो इंडिपेंडेंट हो? देखिए, अब तो शुरुआत हुई है. आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि यही करने के लिए मोहित हैज रियली पुश्ड मी और बहुत कीन थे वो. आई एम सो हैप्पी मोहित, इफ यू आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच कि आपने ये इंडिपेंडेंट गाना करवाया इनसे, बिकॉज यू हैव सच अ मैसिव फैन फॉलोइंग एज फार एज आई नो फ्रॉम माय स्टेट गुजरात एंड गुजराती कम्युनिटी जितने भी मेरी है. मैं आया था अहमदाबाद में परफॉर्म करने आज से 3 साल पहले. और सच जानिए, ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला. द कॉन्सर्ट दैट आई डिड, आई परफॉर्मड इन फैक्ट एट राइट ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट. हाँ, आई एम श्योर वो वहाँ पे अपना हर साल फेस्टिवल होता है. बहुत खूबसूरत जगह है. हम लोग परफॉर्म कर रहे थे और हवा में एक नमी थी. हाँ. और महकी बस हमारे पास दरिया नहीं है, पर दरिया दिल है हम. नेक्स्ट कब आ रहे हैं अहमदाबाद? जब आप लोग बुलाए. मैं तो बुलाऊंगी. एंड यू हैव टू लाइक प्रॉमिस मी दैट व्हेनेवर यू कम टू अहमदाबाद जस्ट पिंग मी, आई विल बी देयर. आई विल टेक यू टू द जो फूड, आई विल यू नो, आई विल मेक श्योर दैट यू विजिट माय स्टूडियो एंड आई विल टेक सारे आपके जो फैंस है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर करियर. बट ये लंबा इंटरव्यू नहीं होने वाला है. ऑल आई वांटेड टू से दैट कि यार आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे गुजरात में. एंड इंतजार इज जेन्युइनली अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू अदिति. थैंक यू सो मच. थैंक यू.